हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीआईएल के बारे में कि पीआईएल क्या है, किसके लिए है, इसे कौन फाइल कर सकता है और इसे किसके लिए फाइल किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल फॉर योर सपोर्ट। वेल, पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। ये सब प्रोनाउंसिएशन से लग रहा है हमारे कि पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित मींस पब्लिक के इंटरेस्ट, जनता के लिए जो याचिका, जो पिटीशन फाइल की जाती है उसे जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। पीआईएल हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फाइल की जाने वाली पिटीशन है, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जो ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स एक जनता का समूह, अगर किसी भी प्रकार के किसी भी गवर्नमेंट के फैसले से या किसी ऐसे फैक्ट्री जो उसके टाउन में है और उसके धुएं से पूरी टाउन अफेक्टिव हो रही है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे प्रॉब्लम में उन पूरे समूह में से कोई एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे पीआईएल डाल सकता है। पीआईएल डालने वाले को हिंदी में न्याय मित्र और इंग्लिश में एमिकस क्यूरिस कहते हैं। इसको हम एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पिटीशन के लिए एक लंबी चौड़ी पिटीशन आप बनाए पीआईएल के लिए। इसमें हम एक छोटे से पोस्ट कार्ड के थ्रू भी हम इसे दायर कर सकते हैं। पीआईएल के इतिहास में है कि पीआईएल सबसे पहले कैदियों में से किसी एक कैदी ने डाला था 1970 के टाइम में, बट इसे पूरे तौर पे लागू करने का श्रेय जस्टिस पीएन भगवती को जाता है, जिसने 1986 में लागू किया था। ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे पीआईएल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पीआईएल क्या है और पीआईएल क्यों फाइल की जाती है और पीआईएल के हमें क्या फ़ायदे हैं। इसमें कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में डालते हैं तो हाई कोर्ट उस स्टेट को मींस पीआईएल के थ्रू उस चीज़ को ना करने के लिए रोक देती है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल करते हो तो ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन पूरे इंडिया में है तो वो पूरे इंडिया के लिए वो एक वैलिड लैंडमार्क जजमेंट हो जाती है, वो पीआईएल हो जाती है कि इस चीज़ को अब पूरे स्टेट में नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे पीआईएल और पीआईएल की जानकारी। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर योर सपोर्ट प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।